मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम करके स्टनिंग हरनाज संधु ने देश का नाम दुनिया में रोशन कर दिया। हरनाज संधु के सर जब मिस यूनिवर्स का ताज सजा था तो उनकी खूबसूरती के चर्चे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी थे। सिर्फ उनकी खूबसूरती ही नहीं, उनकी फिटनेस और टोन बॉडी पर भी फैंस फिदा थे। हर लड़की हरनाज जैसी फिट बॉडी पाने का सपना देखती थी, लेकिन मिस यूनिवर्स बनने के कुछ ही महीनों के अंदर हरनाज का बदला हुआ रूप देखकर फैंस हैरान रह गए। हाल ही में ब्लैकमे फैशन वीक में मिस यूनिवर्स 2021 बनने के कुछ ही महीनों के अंदर हरनाज ने काफी ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया। फिट एंड ग्लैमरस हरनाज अब चबी दिखने लगी हैं। फैंस समझ नहीं पा रहे कि आखिर कुछ ही महीनों में ऐसा क्या हो गया कि हरनाज का लुक पूरी तरह से चेंज हो गया। हालांकि वो दुबली हो या चबी, हरनाज हमेशा ही खूबसूरत लगती हैं, लेकिन उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के हर कोई हैरान है। हरनाज की बॉडी में हुए इस बदलाव का क्या कारण है वो तो खुद हरनाज ही बता सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिस यूनिवर्स में हिस्सा लेने से 3 दिन पहले हरनाज अस्पताल में भर्ती थी। हरनाज ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था। हरनाज ने कहा कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि तुम्हें इसी साल पार्टिसिपेट करना चाहिए। हरनाज ने कहा था कि मिस यूनिवर्स में हिस्सा लेने से 3 दिन पहले मैं अस्पताल में भर्ती थी। उस समय मुझे अपनी सीलिएक बीमारी के बारे में पता चला था कि मुझे ग्लूटेन से एलर्जी है। मुझे इससे पहले नहीं पता था। इस वजह से कई बार उनका वजन बढ़ जाता है और कभी खुद ही घट जाता है। लेकिन सीलिएक बीमारी आखिर क्या है, इसे जानने के लिए हमने उदयपुर के पारस अस्पताल के डॉक्टर राजन ढींगरा से बात की, जो कि गैस्ट्रो एंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट है। हमने उनसे पहला सवाल पूछा कि ये सीलिएक बीमारी आखिर क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं। बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीलिएक डिजीज, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं वीट एलर्जी या गेहूं की एलर्जी। बेसिकली ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसपे बॉडी अपनी ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगती है। जनरली बॉडीज एंटीबॉडी, हम जानते हैं कि जब भी कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है, बॉडी उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। बट इसी प्रॉब्लम में बॉडी अपनी ही जो सेल्स या कोशिकाएं होती हैं उनको फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करती है और उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। जो इस बीमारी में एक ग्लूटेन, जो कि एक प्रोटीन है जो कि गेहूं और उससे रिलेटेड चीज़ों में पाया जाता है, बॉडी इसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है और ग्लूटेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है और बॉडी ग्लूटेन इनटॉलरेंट हो जाती है। जो मेन लक्षण है या सिम्टम है इस बीमारी के, वो हैं बच्चों में खून की कमी होना, बारी बारी लूज मोशन, दस्त लगना, वजन नहीं बढ़ना, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ना, ग्रोथ नहीं होना। और ये एक ऐसी बीमारी है जो बॉडी में किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकती है। इसका लीवर पे भी इफेक्ट हो सकता है, ब्रेन पे भी इफेक्ट हो सकता है, और इसमें विटामिंस और अदर जो ज़रूरी चीज़ें हैं बॉडी के लिए उनकी कमी हो जाती है। उनसे संबंधित लक्षण इस बीमारी में हो सकते हैं। ये सीलिएक बीमारी किस उम्र में शुरू हो सकती है? अब बात आती है कि ये बीमारी कब शुरू होती है, किस एज में इस बीमारी का डायग्नोसिस होता है। जनरली ये बीमारी जब भी हम बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी भी एज में डायग्नोस हो सकती है। पहले हम ये मानते थे कि जनरली ये बच्चों की या जो एडल्ट्स, यंग एडल्ट्स होते हैं उन्हीं में ही ये डायग्नोस होती है। बट आजकल बहुत सारी ऐसी स्टडीज आ गई हैं जिनमें ये पता चला है कि 60 से 70 साल के लोगों में भी ये बीमारी फर्स्ट टाइम डायग्नोस होती है। ऐसा क्यों होता है कि इतने सालों तक उनमें नहीं पता चलता है, इसका मेडिकल साइंस में भी कोई क्लियर रीजन नहीं है। और कुछ लोगों में इस बीमारी के हल्के लक्षण होते हैं और कुछ में ज्यादा लक्षण होते हैं, इसका भी एग्जैक्ट रीजन मेडिकल साइंस में क्लियर नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल जो हमारे जहन में था वो ये था कि सीलिएक बीमारी आखिर होती क्यों है। अब इस बीमारी का जो कारण है वो एग्जैक्टली कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं जो इस बीमारी में के कारण में इन्वॉल्व रहते हैं। स्पेशली जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है, जिनमें किसी पेरेंट्स को अगर सीलिएक डिजीज है या रियल ब्रदर या सिस्टर में से किसी को भी रियल सीलिएक डिजीज है, तो उस व्यक्ति में इसके होने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सीलिएक बीमारी का आखिर पता कैसे लगाया जा सकता है? इस बीमारी का डायग्नोसिस एक सिंपल टेस्ट, जिसे हम IgA TTG बोलते हैं, एक तरह एक ब्लड टेस्ट होता है, उसके द्वारा इस बीमारी का डायग्नोसिस किया जा सकता है। हम स्क्रीनिंग के लिए सबसे ये टेस्ट है जिसको कॉमनली यूज करते हैं। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका फर्दर कंफर्मेशन करने के लिए हम एंडोस्कोपी करके छोटी आंख से एक जांच के लिए टुकड़ा लेते हैं, जिससे हमें 100% कंफर्मेशन मिल जाता है इस बीमारी के बारे में। क्या इस बीमारी को दवा से खत्म किया जा सकता है? इस बीमारी का कोई परमानेंट क्योर नहीं है आज अभी तक, और कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है जो इस बीमारी को ठीक कर सके।
जो मेन ट्रीटमेंट है इस बीमारी में वो है डाइटरी मॉडिफिकेशन, यानी का आपको अपना जो भोजन है, जो खाने पीने की चीजें हैं उसमें बदलाव करना पड़ता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें इस बीमारी में अवॉइड करनी है वो है गेहूं, और गेहूं से बनी हुई चीजें हमें बिल्कुल सेवन नहीं करना है इस बीमारी में। और जो कॉमन यूज की चीजें हैं जैसे जंक फूड है, पिज्जा है, बर्गर है, चॉकलेट्स हैं, टॉफीज हैं, ब्रेड है, ये सब चीजें हमें इस बीमारी में बिल्कुल यूज नहीं करनी है, क्योंकि इन सभी चीजों में ग्लूटेन होता है जिसके लिए बॉडी इंटॉलरेंट रहती है। और जो ग्लूटेन फ्री डाइट है ये हमें लाइफ लॉन्ग के लिए फॉलो करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ सालों तक इसको फॉलो करेंगे या कुछ समय के लिए और फिर हम वापस ग्लूटेन का सेवन शुरू कर देंगे तो वापस पेशेंट के सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। जो कॉमन चीजें हम इसमें खा सकते हैं वो हैं सभी प्रकार की दालें, सभी प्रकार के फल, सब्जियां, ज्वार, बाजरा, मक्के की रोटी, ये सब चीजें हम इसमें सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेश बना हुआ चिकन है, मीट है, मछली है, अंडा है, ये सभी चीजें हम सेफली सीलिक डिजीज के जो पेशेंट है वो यूज कर सकते हैं। सो डाइटरी मॉडिफिकेशन ही इस बीमारी का एकमात्र इलाज है और ये लाइफ लॉन्ग पेशेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। जिस बीमारी से हरनाज सिंधु जूझ रही हैं, क्या उसे सिर्फ वजन में ही फर्क पड़ता है या फिर ये बीमारी आपकी जान के लिए भी खतरा बन सकती है? अगर हम ये समय पर इस बीमारी को डायग्नोस नहीं करते हैं और ढंग से इलाज नहीं करते हैं तो आगे चल के इस बीमारी में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जिसमें कैंसर का, जो कैंसर है एक प्रमुख कॉम्प्लिकेशन है इस बीमारी का। तो स्ट्रिक्ट लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन फ्री डाइट हमें लेनी ही है और वही एकमात्र इस बीमारी का इलाज है। तो आपने डॉक्टर से सुना कि किस तरीके से ये ऑटो इम्यून बीमारी है, यानी कि इस बीमारी से पूरी तरीके से पार नहीं पाया जा सकता है, सिर्फ ट्रीटमेंट के जरिए इस बीमारी के लक्षणों को कम किया जा सकता है। इसलिए आपके आसपास में वो लोग जो कि इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनका मजाक ना उड़ाते हुए उनसे सहानुभूति रखें।